दास है। हमें लग रहा बड़वानी जिले पर उनको कृपा करनी थी, और यहां जो धर्मांतरण के कुछ कुछ हलीउल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी, इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। और पुनः कभी हम बड़वानी में ज्यादा समय देंगे, रुकेंगे, नर्मदा माँ को भी प्रणाम करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि इंद्र देवता अपनी कृपा खूब बरसा रहे हैं। गुरु जी बड़वानी आयो, आज बड़वानी आयो, हम बागेश्वर धाम की जय, छोटे बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, हमारे बड़े ही प्रिय और वर्तमान समय में राजपीठ में कैबिनेट मंत्री पद पर पदस्थ श्री प्रेम सिंह भाई जी बागेश्वर धाम के अनन्य हैं। उन्होंने 4-5 बार हमें आज्ञा दी यहाँ के भोले भाले लोगों के भाव के लिए कि आप एक बार बड़वानी आओ, तो आज हमें दिन में आना था परंतु अपरिहार्य कारणों से और बरसात के कारण जल्दी नहीं आ पाए, तो रात्रि काल में हमें बड़वानी में सबके दर्शन हुए और खूब आनंद आया। और यहाँ संकट मोचन हनुमान जी माँ नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त हुई, खूब खुशी बारिश में परमेश्वर के लिए आपने धरती में दरबार लगा, बहुत बड़ा आनंद मिला, पर वहाँ से जनता गई नहीं। यही भारत का सौभाग्य और सनातन संस्कृति का प्रभाव है। इनका सरलपन बहुत अद्भुत है, मंत्री जी का, इनकी सरलता के साथ हनुमान जी की कृपा। और ये है बड़वानी भक्ति नगर, बड़वानी भक्ति नगर होने के कारण आसपास पूरे बड़वानी जिले के लोग इतने भावुक थे, हमें ऐसा लग रहा था कि सच में पूरी रात भी गुजारे तब भी वो जाने वाले। गुरुदेव, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि गुरुदेव को बागेश्वर धाम मठ में रहना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए, जगह जगह नहीं जाना चाहिए। देखो, साधु का काम चलाना किसी राजनेता का जमाना है, साधु जमाने लगता है, हम साधु तो नहीं है, लेकिन साधु की पीठ जो हमारी बागेश्वर है उस पीठ की हम सेवा करेंगे और जाएंगे नहीं। हम अगर जंगलों में जाएंगे नहीं, वनों में रहने वाले लोगों के पास नहीं जाएंगे। देखो, भगवान राम तब हुए राम जब वो बन गए तो राम बन गए। हिंदू राष्ट्र के बारे में बता रहे, अरे बन नहीं है भाई साहब, बता रहे थे आप सोच का रहे हो, बनना ही। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूंगे, अब नहीं जाएगा, अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है, और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठटरी और गठरी दोनों। गुरु जी, ईसाईकरण आदिवासी समाज को घेरता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कोई वनवासियों के बीच कथा करने धाम की तरफ से निःशुल्क, धाम की तरफ से भंडारा टेंट और यजमान वनवासी जनजाति वनवासी लोगों को बनाते हैं, और पूरे भारत के कथा व्यासों से प्रार्थना है कि शहरों की कथाओं से धर्म नहीं बचना है, आओ जिनको हमेशा अपेक्षित रखा है उन लोगों के पास जाएं और उन्हें से वन में रहने वाले वनवासी गिरवासियों के बीच में। बड़वानी जिले के ट्राइबल इलाके को कब मौका मिलेगा आदिवासियों को चलने का, ये पागल बाबा जब कह देंगे हमारे, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर आपने छोटे बागेश्वर हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया है जो बड़वानी जिले के लिए गौरव का विषय है, हमारी तो आकर दर्शन दास है। हमें लग रहा बड़वानी जिले पर उनको कृपा करनी थी, और यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ कुछ हलीउल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी, इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। और पुनः कभी हम बड़वानी में ज्यादा समय देंगे, रुकेंगे, नर्मदा माँ को भी प्रणाम करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि इंद्र देवता अपनी कृपा खूब बरसा रहे हैं।